भारत ने मंगलवार को पोर्ट एलिजाबेथ में सीरीज के पांचवें वनडे को 73 रन से अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने 6 मैचों की सीरीज में 4-1 की अजेय बढ़त हासिल करते हुए सीरीज पर कब्जा जमाया। सीरीज जीतने के बाद कप्तान विराट कोहली ने बड़ा बयान दिया और कहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, यह हमारी एक और शानदार जीत है। हमने वास्तव में गेंद और बल्ले के साथ फील्डिंग में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। यह हमारे द्वारा किया गया बेहतर प्रदर्शन है जो हमारे लिए आखिरी मैच में भी जारी रखना महत्वपूर्ण है। केवल एक टीम से ही सीरीज हारने का दबाव था और वह टीम दक्षिण अफ्रीका थी। हम जानते थे कि अगर हम अपनी गलतियों से सबक लेंगे तो हम दौरे में वापस करेंगे और वनडे सीरीज भी जीत सकेंगे। जोहान्सबर्ग में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच भी हमारे लिए बढ़िया समय रहा। हम तब से बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सभी का सामूहिक प्रयास है। 4-1 से सीरीज में आगे रहना बहुत अच्छा लग रहा है। हम लास्ट मैच में टीम के बाकी खिलाड़ियों को मौका देंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता सीरीज को 5-1 से जीतने की होगी। विराट कोहली ने कहा, जब टीम के शीर्ष 3 खिलाड़ी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं तो बाकी के बीच के खिलाड़ियों को ऐसे समय पर मौका मिलता है जहां पर वो कभी कभी क्लिक नहीं कर पाते, लेकिन हम सीरीज के बाद जरूर इस बारे में सोचेंगे कि अपने मध्य क्रम में सुधार व मजबूत बनाने की कोशिश करें। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सभी टीम के पास 2019 वर्ल्ड कप जीतने का सपना है और हमें भी इस सपने को साकार करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। आगे कोहली ने कहा कि धोनी अपने गेंदबाजों को समय समय सुझाव देते रहते हैं। अगर वर्तमान में चहल और कुलदीप यादव इतना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे धोनी का भी हाथ है। सीरीज का स्कोर 3-1 होने के बाद पोर्ट एलिजाबेथ में भारतीय टीम इतिहास रचने के इरादे से उतरी और इस मैच को 73 रन से जीतकर न सिर्फ पोर्ट एलिजाबेथ में पहला वनडे जीता बल्कि इसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में अपनी पहले वनडे सीरीज भी जीत ली।